अब एक बार लगा दी है तो ये लेने से रहे, तो इस वजह से जो है चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी। तो ये रीजन था आप में से बहुत सारे। तो कैसे हो भाई लोग, इस वीडियो में बात करने वाले रोहित पंत यानी रेसल चैटर के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि रोहित पंत के चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुके हैं, जिसके कारण उनका चैनल 7 दिनों के लिए सस्पेंड हो चुका था। तो दोस्तों काफी लोग इसके लिए हैरान थे कि उनके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्यों आई, काफी लोगों को इसका रीजन नहीं पता था। तो आज रोहित पंत ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने आईपीएल रिलेटेड एक जो बेटिंग ऐप होता उसका प्रमोशन किया था, जिसके कारण उनके चैनल पे स्ट्राइक पड़ी थी। तो देखिए इसके बारे में बात करते हुए रोहित पंत ने क्या कुछ कहा। बैठानी पड़ती है, ऐसे करो वैसे करो ये वो, इसलिए मैं स्पॉन्सरशिप करता नहीं हूँ। और भाई सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉन्सरशिप के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप की वजह से ही मुझे इस चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई थी। अब रीजन क्या है, वो जो अभी आपको पता है स्पोर्ट्स चल रहा है, आईपीएल वगैरह चल रहे थे, तो आपको पता है बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जिस पर आप अपनी प्रेडिक्शन करके पैसे लगा सकते हो और पैसे जीत सकते हो। तो पता नहीं यूट्यूब किन एप्लीकेशन को अलाउ करता है किसको अलाउ नहीं करता। टीवी पे एड्स देखते हैं, खुद यूट्यूब पे भी एड्स आते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे यूट्यूब को दिक्कत है, और जिस प्लेटफॉर्म को मैंने प्रमोट किया था उस प्लेटफॉर्म को दिक्कत थी, नहीं YouTube को उस प्लेटफॉर्म से दिक्कत थी। तो उन्होंने सिंपली क्या किया, उन्होंने कहा भैया तुमने हमारे रूल तोड़ दिए हैं और अब तुमको पड़ जाएगी तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक। मैंने अपील करी, लेकिन मुझे पता था कि भाई अब एक बार लगा दी है तो ये लेने से रहे, तो इस वजह से जो है चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी। और दोस्तों जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि रेसल चैटर ने अपने सेकंड चैनल पे अपनी पूरी कैरियर की जो उनकी यूट्यूब की अर्निंग थी वह शेयर की थी, जिसके कारण काफी लोग सोच रहे थे कि इसी कारण से उनके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है। एंड काफी लोग मेरे को भी उस वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि इसके पीछे रीजन यह हो सकता है। बट दोस्तों आज रेसल चैटर ने देखिए इसके बारे में क्या कुछ कहा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई, कोई कह रहा है कि भाई तूने अर्निंग रिवील कर दी, कोई कह रहा है भाई तूने वो एंजल गार्जा जो वो पिछवाड़े में वो फूल डाल रहा है वो दिखा दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे चैनल पर कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं आता कि मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़े। एक बार को कॉपीराइट पड़ सकती है वो अलग है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन ऐसा रूल ब्रेक करने वाला मैं कुछ करता नहीं हूँ। लेकिन नेक्स्ट अपडेट होने वाली एल्विश यादव के बारे में। दोस्तों एल्विश यादव के फैंस के लिए आज काफी अच्छी न्यूज आई है। एल्विश यादव ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कल दोपहर 12 बजे के लगभग में उनका नया वीडियो स्कूल वाला प्यार पार्ट 3 आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हुए एल्विश यादव ने क्या कुछ कहा। एवरीवन, तो बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि भाई एपिसोड 3 कब आएगा, कल सुबह 12 बजे, अभी मैं टाइम पूरा वो नहीं बता रहा, 12 बजे आ सकती है, फिर 2 बजे मतलब सुबह ही आ जाएगी, रात को अपलोड करूंगा। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एपिसोड 3 के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।